हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए, सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का फॉर्म भरे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है वह है एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको एडमिट कार्ड ज़रूर ले जाना है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एडमिट कार्ड नहीं ले जाएंगे तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप इसको ज़रूर ले जाइएगा। उसके बाद फ्रेंड, दूसरा डॉक्यूमेंट की बात करें तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वह है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, यह जब से कोविड आया है तब से जो है कि यह सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जा रहा है। यह फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसको भरना है, हमने पूरा प्रॉपर इस पर वीडियो बनाया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जा करके देख सकते हैं कि कैसे आप जो है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, कैसे इसको भरेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें लगेंगी, पूरा डिटेल से उस वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स, यह भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स, तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वह है आईडी। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी एक आईडी ले जानी है, चाहे आपके पास वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या सब जो आईडी है उसमें से कोई भी आप एक आईडी ले जा सकते हैं। और उसके बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट है वह है फ़ोटो। जी हाँ दोस्तों, फ़ोटो तो वैसे इसमें नहीं मांगा गया है, लेकिन फ्रेंड्स आप एक तो फ़ोटो अपने पास रख लीजिएगा पासपोर्ट साइज़ का, वहाँ पर जो है कि लग सकता है। वैसे जो सीटेट की साइट है उस पर कहीं पर भी नहीं लिखा गया था कि आपका फ़ोटो लगेगा, सिर्फ जो है कि एडमिट कार्ड डिक्लेरेशन फॉर्म और आईडी मांगा गया है। तो आप फ़ोटो भी रख सकते हैं, हो सकता हो ज़रूरत पड़ जाए अगर आपका एडमिट कार्ड में फ़ोटो अच्छा नहीं आया है